साथ ना हो अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें पिंटू बोदरा के स्पोर्ट टीम को और ब्लेजर स्पोर्ट से सब्सक्राइब करें और उस मैच को पुनः आप देखें कि आप किस तरह का गलती किए आपको देखना होगा। पुनः पहला किक करने के लिए MS ब्रदर्स मंजारी और गोलकीपर अपना क्षेत्र में तैनात हल्के कदमों के साथ और इस वक्त पेनल्टी शूट आउट का पहला किक करने को तैयार MS ब्रदर्स मंजारी। गोलकीपर अपना क्षेत्र में स्प्रिंग कतरा उछाला देखना होगा इससे अपनी जादू आकर्षित बेहतरीन शॉट जमीनी से लुढ़कते हुए अच्छी यहाँ पे भाप चुका था गेंद अपना कब्जा में ले सकता था भाई एक नाम भी काफी है और कहते हैं अब चलिए यहाँ पर गुप्तगु करेंगे टीम के टीम कप्तान नदिया है बराबर और भली भांति जानते हैं बिरजू पात्रों के किकअप को और इस समय गोलकीपर के साथ गुप्तगु कर चुके हैं टीम के टीम कप्तान MS ब्रदर्स के टीम कप्तान नदिया हेमराव। पहला किकअप को लेकर आएंगे सिंहभूम शेर की ओर से जर्सी नंबर 8 जर्सी नंबर स्पष्ट आई नहीं बिरजू पात्रो जर्सी नंबर 4 चले पूरी तरह से टीम के गोलकीपर अर्जुन सामंत यहां पर तैनात हो चुके हैं पहला किकअप को रोकने के लिए काफी तेज तरार किकअप के लिए जाने जाते हैं बिरजू पात्र लीजिए भाई रोक सको तो रोक लो और नहीं तो फिर पहला गोल एक एक की बराबरी पर इस सवार गेंद को रोकने के लिए जर्सी नंबर 17 वर्सेस जर्सी नंबर 7 दिनेश बारी वर्सेस जयपाल सिंह का ये दिलचस्प मुकाबला रहा है लेकिन निर्धारित समय के उपरांत गोल नहीं हुई है नतीजा एक के बाद एक पेनाल्टी शूट आउट का मौका दोनों ही टीमों को लिए यहां पर भी नाकाम रहे हैं और दो एक की बढ़त मुस्कुराने के साथ यहां पर वापस से रहे और आज का अंतिम मैच के लिए दोनों ही टीम और पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है पीले पोशाक पर बात करें तो ये टीम पागला बासा फुटबॉल टीम और रंग बिरंगे के पोशाक पर ये टीम है सारना क्लब कामार हाथों फुटबॉल टीम आज का सेकेंड राउंड का अंतिम मुकाबला के लिए चलिए दूसरा की कप सिंहभूम शेर वैद्यनाथ गोप यहां भी दो दो की बराबरी आ चुकी है और अंतिम की कप रहेगा टीम MS बिरवा को भेजा गया है चलिए बिरसा बिरवा अंतिम की को लेकर आएंगे जर्सी नंबर 7 सामना करेंगे सिंहभूम शेर के खिलाड़ी जो कि फिलहाल गोलकीपर के तौर पर नजर आ रहे हैं जयपाल सिर का ये अंतिम किक रहेगा MS ब्रदर्स जो की काफी दूर मंझारी प्रखंड से आई है टीम ये अंतिम की कॉप सामना करेंगे जयपाल सिर का और बिरसा बिरवा भाप चुके थे गेंद को और पूरी तरह से चीता के भांति छलांग लगाए अब यहां से उभरना तो चले विकास बालमोचू वर्सेस नदिया है बराबर अब क्या विकास बालमोचू का गेंद को रोक पाएंगे नदिया है बराबर या फिर विकास बालमोचू की गोल के साथ ये टीम जाएगी थर्ड राउंड की ओर ये दिलचस्प
नजारा होगा आप सबके बीच, क्योंकि अभी अभी हमारे अजय देवगम जी ने इस बात का खुलासा किया है, इस लम्हा को, इस पल को YouTube पे कैद कर रहे हैं यूट्यूबर पिंटू पोत्रा यूट्यूब चैनल, और इनके साथ आ रहे यूट्यूब है ब्लेजर स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। चलिए फिलहाल अंतिम के विकास पालमोचू शामनगर की टीम, एमएस ब्रदर्स के टीम के टीम कप्तान नदिया हेम्रम। चलिए अब एक कप्तानी पारी खेले आज नदिया हेम्रम, अपने टीम को जीवित रखे हैं और नाखुश होंगे जयपाल सिर का, क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फेर दिए हैं विकास बालमोचू। और अब जो है ये निर्णय होगी तीसरी अदालत पर, अब किस टीम हार के साथ वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट को अलविदा करेगी। फिलहाल दोनों ही टीम के टीम कप्तान मैच रेफरी के पास चले जाएंगे। नदिया हेम्रम सिंहभूम से और एक तरफ है एमएस ब्रदर्स फुटबॉल टीम। चलिए दिलचस्प मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला मैच के दरमियान बराबरी, पेनल्टी के दरमियान बराबरी और अंततः सिक्का उछल चुकी है, हाथ उठा के जीत का परिचय देंगे। हार चलिए भाई आज काफी लकी साबित हुए हैं टीम के टीम कप्तान नदिया हेम्रम, और नदी के बहाव में सिंहभूम शेर को जो है पछाड़ चुके हैं।